दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स इक्वल टू -1 -2 टू +2। ध्यान से देखें, ये पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। ये ग्राफ पहले ही मैंने पैराबोला वाले जो वीडियो है उसमें ड्रॉ करना सिखाया है। एक्स इक्वल टू -2 यहाँ होगा, एक्स इक्वल टू +2 यहाँ होगा। तो बेसिकली हमें ये वाला एरिया मांगा गया है। ये वाला एरिया ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो देखें, हाँ, तो क्या वैल्यूज आएंगी। y इक्वल टू इंटीग्रेल किया y dx का इंटीग्रल फ्रॉम -2 टू +2, या आया एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम -2 टू +2, आपको एक्स क्यूब बाई 3 -2 से +2। पहले वैल्यू +2 डाली तो ये हो गया 2³/3, फिर माइनस साइन लगाया और फिर -2³/3, तो हो गया प्लस, दोनों जगह माइनस माइनस मिलके प्लस, और 8+8 16/3। तो ये एरिया कुल मिलाकर 16/3 है। यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हैं इतना एरिया 8/3 होगा, ये भी 8/3 होगा क्योंकि सिमिट्री है। y इक्वल टू 4x फ्रॉम -2 टू लेट्स से +2। ठीक है, मींस इस बार आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं। ये x इक्वल टू -2 है, ये x इक्वल टू +2 है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, हमें दिखना चाहिए कि एरिया जीरो आने वाला है। ओके, ये बिलो x एक्सिस नेगेटिव, अबव x एक्सिस पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेट्स कैलकुलेट इट। ठीक है, अगर आपको ग्राफ नहीं बनाने आते, जैसे ये तो बहुत बेसिक फंक्शन से पैराबोला स्ट्रेट लाइन, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसका आप ग्राफ नहीं बना पाते, तो उसका एरिया निकालने का तरीका इंटीग्रेशन है। ठीक है, न्यूटन साहब ने ये सब डेवलप किया था और उनके डेवलप करने की स्पीड बहुत हाई थी। ऐसा बुक्स में लिखा है कि उन्होंने विद इन 1 और 2 वीक्स इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन पूरी मैथमेटिक्स डेवलप कर दी थी। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। वाई इक्वल टू 4x, वाई इज इसका इंटीग्रेट करते हैं तो 4x dx -2t+2। 4x का इंटीग्रल आएगा 4x² / 2 लिमिट्स फ्रॉम -2 टू +2, इट इज 2, यहाँ से कैंसिल करके 2 और अंदर 2 का स्क्वायर -2 टाइम्स -2 का स्क्वायर, इट विल गिव यू 8 + 8 - 8, इट विल बी 0। ठीक है, जैसा कि हमने ग्राफ से देख लिया था। अब y इक्वल टू x² - 4x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 4। 0 टू 4, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 0, 0 और 4, 0 मीन्स 0, 4 है। तो ये पैराबोला ऐसा है और अब हमें 0 से 4 तक का एरिया निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एरिया पक्की बात है नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके रूट्स निकाले, 0 और 4 आए। ये पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है, ये सारी बातें हमने पैराबोला की वीडियो में कर रखी हैं, तो जरूर देखें अगर आप सीधे इस वीडियो पर आ गए हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 से x = 4 तक आपने लिखा x² - 4x dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³/3, 4x का 2x² ध्यान से x² / 2 लिखना था, तो 2 से 4 कैंसिल करके मैंने 2 लिख दिया, और लिमिट्स डालेंगे यहाँ 0 और 4। 4 डालने पर बनता है ये 4³/3 -2 × 4² और -0 डालने पर तो हर चीज 0 हो जाएगी। 4³/3 मीन्स 64/3 माइनस, इट विल बी 16 × 2 = 32। एलसीएम लिया तो 64 - 96/3, दैट कम्स आउट टू बी -32/3।
नेगेटिव आया जैसा कि हमें ग्राफ बता रहा था। तो दोस्तों हमें इंटीग्रेशन को देखने का एक और तरीका हो सकता है, विच इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखें क्या, जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो डी टी को इधर ले जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन इज एरिया अंडर वी टी ग्राफ। ध्यान दें, डी टी इधर ले गए, इंटीग्रेट किया डी एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। ये कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशंस होती हैं, मीन्स टी वन टाइम पर एक्स वन पोजिशन है, टी टू टाइम पर एक्स टू पोजिशन है। तो चेंज इन पोजिशन इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ फ्रॉम टी वन टू टी टू। ओके, इसी तरीके से जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी हो तो एरिया अंडर ए टी ग्राफ लिया जा सकता है। ऐसे कोई भी चीज जो किसी के रेट ऑफ चेंज से डिफाइन होती है उसको आप रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन करके किसी चीज का चेंज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इफ वी वॉन्ट चेंज इन मोमेंटम देन वी हैव टू टेक द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एफ टी ग्राफ। ओके, इसी तरीके से एक और डेफिनेशन होती है जो आप 12th में पढ़ते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन। तो आप लिख सकते हैं माइनस डी वी इज इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स। ओके, इस माइनस साइन को इधर ले जाते हैं, तो चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोटेंशियल वी टू माइनस वी वन इज माइनस ऑफ एरिया अंडर ई एक्स ग्राफ फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। ओके, तो चेंज निकालने का बहुत बहुत सही तरीका है। ध्यान रखें, इंटीग्रेशन से इस बार हम सिर्फ हर जगह चेंज निकाल रहे हैं, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज। ओके, जैसे कि ए इक्वल टू टू टी है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू थ्री। तो हम ऐसे लिखेंगे, ए डी टी एरिया ऑफ ग्राफ फ्रॉम वन टू थ्री विल गिव मी चेंज ऑफ वेलोसिटी। एरिया क्या आ रहा है, टू टी डी टी वन से थ्री तक विल गिव यू टी स्क्वेयर, लिमिट्स पुट की वन थ्री, थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इट विल बी एट। सो इट इज नथिंग बट वी एट टी इक्वल टू थ्री माइनस वी एट टी इक्वल टू वन। ओके, चेंज इन वेलोसिटी इज एट। सिमिलरली अगर फोर्स टी स्क्वायर दी हो तो चेंज इन मोमेंटम बताना दो से चार तक। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है पी एट टी इक्वल टू फोर माइनस पी एट टी इक्वल टू टू, ये होगा एरिया, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ कहां से कहां तक, दो से चार तक। तो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम टू टू फोर इट विल बी नथिंग बट टी क्यूब बाई थ्री, लिमिट्स डालेंगे टू एंड फोर, आपको मिलेगा फोर क्यूब बाय टू, सॉरी बाय थ्री, टू क्यूब बाय थ्री। फोर क्यूब विल बी 64, टू क्यूब विल बी एट, यू विल बी लेफ्ट विद 56/3। ओके, तो ध्यान से, चेंज इन पोजीशन इज एरिया अंडर वी टी। आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से, स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन की हेल्प से चेंज निकालते हैं। ध्यान रखें, कई बार आप ऐसे बोल देते हैं कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज पोजिशन, नो इट इज चेंज इन पोजिशन। एरिया अंडर ए टी ग्राफ इज नॉट वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ इज नॉट मोमेंटम, इट इज चेंज इन मोमेंटम। याद रखें इन सारी बातों को।